और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा द्वारा केजरीवाल पर दर्ज किए गए मानहानि मामले की कार्रवाई पर स्टे लगाने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में पवन खेड़ा को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। अपने खिलाफ मानहानि के मामलों का सामना कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दोनों माफी मांगकर मामलों को निपटाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ऐसे ही एक मामले में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे लगाने से मना कर दिया। मामला दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले का है, जिसे केजरीवाल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि पटियाला हाउस कोर्ट की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने टीवी इंटरव्यू के दौरान शीला दीक्षित के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था। इसके बाद पवन खेड़ा की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जो मामला फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में है। दिल्ली टैक्स टोटल न्यूज़।